अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। और अभी अभी हमारी मॉर्निंग स्टार्ट हुई है। ये है 4 डे क्वेटा में हमारा। आज थोड़ा सा प्लान है आउटसाइड जाने का, क्वेटा की जो फेमस जगह है क्वेटा से आगे ज़्यारत, वहाँ का प्लान है। अभी फ़िलहाल हम नाश्ता करने लगे, नाश्ता करने के बाद देन हम रेडी होंगे। जी जी व्यूअर्स, हमारा नाश्ता आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। गला ख़राब होते होते रह गया, और आप यकीन करें रात को इतना ठंडा अनार का और ऑरेंज जूस पिए उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह गला ठीक है। कराची में ठंडा पानी थोड़ा सा पी लेते हैं तो गला ख़राब हो जाता है, पता नहीं क्या बात है। यहाँ पे जूसेस पीने के बाद भी हम ठीक हैं। खैर नाश्ता आ गया है, नाश्ता कर रहे हैं सब। ये फीकी चाय हम मंगवाते हैं, फिर इसके अंदर शुगर ऐड करते हैं आप देखें। और बहुत मज़े के पराठे, दो दिन से हम ये पराठे खा रहे हैं। बहुत अच्छा टेस्ट होता है, सॉफ्ट होते हैं। और ये एग्स हैं बच्चों के, ये देखें बहुत ज़बरदस्त हैं। वो देखें हमारे दूल्हा भी आ गए, वो देखें हमारे दूल्हा आ गए खूबसूरत से। इधर मुँह करें, हेलो करें, सिट डाउन। अरे हाँ, ये इनकी बेटी है, इन्होंने तो रिकॉर्ड हो। नो लॉन्गर शी इज नो लॉन्गर हर मदर, इसलिए मैं नई मदर लाऊंगा या पुरानी वाली से। ये फरमान शरीफ बच्चा, पूरे ट्रिप का सबसे शरीफ बच्चा ये है। ये भी है मगर ये भी है। एक बार इनकी लड़ाई हो गई है हादिया की, और लेकिन इसकी फरमान की अभी तक किसी से नहीं हुई ना लड़ाई, नहीं हुई। ये परवाज जीत गया। और ये हमारा भूखा बेचारा, ये बस नाश्ता खाना मुबारक। अली है, अली कोई चीज छोड़ेगा यहाँ की? छोड़ेगा कुछ? छोड़ेगा। जी व्यूअर्स, हम तो जाने के लिए रेडी हैं हन्ना लेक। ज़ियारत का थोड़ा सा कैंसिल हो गया क्योंकि सब जो दूसरी फैमिलीज हैं वो लेट रेडी हुई हैं, तो अब ज़ियारत के लिए तो टाइम नहीं बचा है। अब कोई और पॉइंट है जहाँ हम जा रहे हैं, तो वहाँ चलते हैं। हुड़क नाम है पॉइंट का। जी तो हम रूम से निकल गए हैं बाहर, रूम लॉक कर रहे हैं बस। और ये जानू देखें आप रेडी हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। यहाँ दोनों बच्चे रेडी हैं, दोनों हाई कर दें। हेलो हेलो, असन आप दिखाएं, आप जैकेट ले लें अपनी बेटा, हाथ में ले लें, सबने हाथ में ली हुई है जैकेट। जा नीचे की जो फैमिलीज़ हैं उनके बच्चे आने शुरू हो गए और ऑलमोस्ट, और ये नीचे। जी तो व्यूअर्स ये देखें, जाने के लिए सब रेडी हैं वहाँ पर। और यहाँ पर ये चले चलें जल्दी। हेलो, नीचे उतरे, मेरा बैग ले लेना हादिया। चलो फरमान, हानिया, अंशरा, हसन, जेंटलमैन अंजला, हादिया। जी तो मैं स्टेयर्स उतर रही हूँ और निकल रहे हैं सब जाने के लिए। तो बस लेट काफ़ी हो गए, बच्चे भी और हमें, यहाँ तो बहुत प्यारी पिक्चर्स और वीडियो बन रही है। वाह, ये अगेन, और ये हम ये जा रहे हैं सब। और देखें बच्चे, बस शोर हो रहा है, सब निकल रहे हैं, भागम दौड़ी हो रही है। निकल चुके हैं एक पॉइंट पे जाने के लिए। ज़ियारत का तो टाइम नहीं रहा अब क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी और सब लेट रेडी हुए हैं। तो अब हम अपनी कार में हैं, अली, हसन एंड देन माय हस्बैंड, माय लव, ये हमारे साथ हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं और हम बस निकल चुके हैं। देखते हैं कितनी देर का रास्ता है और पॉइंट कैसा है, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी जहां हम जा रहे हैं। हमारे साथ जो तीन गाड़ियां थी वो आगे जा चुकी हैं काफ़ी, और हमें नहीं मिल रहे वो लोग, हम अलग हो गए। आगे जा के शायद मिल भी सकते हैं, तो देखते हैं। क्वेटा के लोग और मुझे रोड्स काफ़ी पिंडी इस्लामाबाद जैसे लग रहे हैं, है ना? बोले आप भी कुछ? जी, हिल स्टेशन है ये भी एक तरह का, बट हिल स्टेशन तो नहीं कह सकते, हिल्स पे तो नहीं है, सराउंडिंग में हिल्स हैं इसके, माउंटेंस की पूरी रेंज है। और ये ग्रीन नहीं है, ये सारे रेतले पहाड़ हैं, मतलब रॉकी कहना चाहिए, रॉकी माउंटेन्स हैं। ग्रीनरी यहाँ होती होगी जब ये बैक टू बैक यहाँ पे रेनी सीज़न रहता होगा, तब
अल्लाह ताला यहाँ पहाड़ों के ऊपर ग्रीनरी कर देते हैं, फिर वो धूप यहाँ पे ज़रा तेज़ है तो इस वजह से वो आउट ऑफ सीज़न जो है वो ग्रीनरी ख़त्म हो जाती होगी। तो अभी जो जिस अभी लुक में है ये इनका नेचुरल लुक है। देखें कितनी अच्छी अच्छी जगह आ रही है यहाँ पर ना, ग्राउंड लेवल का पहाड़ देखिए कितना बड़ा ग्राउंड, ये देखिए कितना बड़ा ग्राउंड है। और बहुत लेट मैंने वीडियो स्टार्ट की है तो इसलिए आपको इतना आइडिया नहीं होगा, लेकिन हम बहुत दूर से ये ग्राउंड देखते हुए आ रहे हैं और अभी सामने और ज़्यादा है। ये देखें ये कितना अच्छा कितना प्यारा व्यू यहाँ से देख रहा है, माउंटेन है ये सारे, बहुत अच्छा अच्छा लग रहा है यहाँ से। ये देखें ना, कैमरे में नहीं आता जितना आपको लाइव देखने में मज़ा आता है। भी है और ये यहाँ पर भी है, ट्रक का कलर देखना ऑरेंज ऑरेंज कलर है। मरिंडा का ट्रक लग रहा है। देखिए व्यूअर्स ये शूटिंग रेंज बनी हुई है यहाँ पर, यहाँ पर जो है फोर्सेस की जो है प्रोटोकॉल में हमने जो ना हेलीकॉप्टर भी मंगवा लिया है। हाँ ये देखें हेलीकॉप्टर हमारे साथ साथ जा रहा है। गार्ड्स को इशू होता है साथ था बैठने में हमारे, तो हमने उन्हें हेलीकॉप्टर में बिठा दिया था। कोई बात नहीं, और ठंड इतनी है तो कॉमेडी भी ठंडी होगी। बहुत बड़ी शूटिंग रेंज है, बहुत बड़ी शूटिंग रेंज है। ये देखें दोबारा ही ये दूसरी है ना, ये आगे से लाइन से ये देखिए दूसरी है हेलीकॉप्टर, ये जा रहा है ये देखें ये हेलीकॉप्टर। और यहाँ से थोड़ा सा व्यू जो है चेंज हुआ था तो फिर मैंने दोबारा कैमरा ऑन किया आप लोगों की खातिर, और देखें अब कहाँ तक जाती है सी रोड और क्या क्या आता है रास्ते में। जी फ्रेंड्स हम काफ़ी आगे आ चुके हैं, ये देखें यहाँ पे माउंटेन्स के पास खड़े, एक कार का थोड़ा सा इशू हो रहा है बार बार, तो वो जो है सही करवा रहे हैं उसको। यहाँ पे हवा, ये देखें हमारा बिल्ली का बच्चा भी घूमने आया है। है कहाँ है? डिग्गी में है वो अपनी। अच्छा आपको सर्दी नहीं लग रही? हाँ। कैप कहाँ है हसन? कैप पहन लो और जैकेट। उफ बहुत ज्यादा हवा है, कैसी सर्दी लग रही है आपको? दांत बज रहे हैं। हानिया इस बच्ची को तो अंदर कार में बिठाओ। चलो भाई हसन कैप पहन लो, बच्चे सारे बाहर आ गए हैं जज्बाती होके सर्दी से, सर्दी बहुत है, सब अपनी अपनी कार्स में जाएं। सर्दी नहीं लग रही? ये देखें यहाँ का व्यू सारा, और ये फिर रही है परेशान, सबकी टेंशन अरसलान ले लेते हैं, कोई अपनी टेंशन खुद नहीं लेता। और एक गाड़ी यहाँ पर है, ये छोटे बच्चे को अंदर बिठा दिया हमने। हेलो करें, दिखाएं। ओए भाड़नी आना, बहुत सर्दी है, सही है। चलें भाई अब इंशाल्लाह चलते हैं आगे, सब उतर गए हैं और सर्दी भी लग रही है, उतरना भी ज़रूरी है, पिक्चर्स वीडियोस बनानी है सबने। इन्हें देखें ये क्या कर रहे हैं। ये देखें हन्ना लेक, हन्ना झील, हन्ना लेक। हाँ 5 मिनट का रास्ता है, रिकवा आ गया इधर, और इधर से रास्ता है थोड़ा सा बाबा लेक, अगर थोड़ा सा खराब है मीनिंग चली आएगी ना। लेक बेटे, लेक लेक नॉट अ लेक, लेक मींस हिलना नहीं, लेक मींस हिलना नहीं होता। यहाँ पे काफी लोगों का आइडिया नहीं है ना आने का, कमी हो रही है तो बहुत लोग कम है यहाँ पे, है ना इतना क्राउड नहीं है। और नॉर्दर्न की साइड जाते हैं तो आप हर जगह आपको क्राउड, कराची की फैमिली एक गुजरी है इस्लामाबाद की, वो इधर ही आए। अच्छा अच्छा कौन बाबा? मुझे नहीं दिखाई, नहीं देखा, बस देखे अब आगे बस आने वाला है, थोड़ा सा रास्ता रह गया, फिर अब देखते हैं वहाँ पे क्या क्या है।
ये देखें वेलकम टू हन्ना लेक लिखा हुआ भी आ गया है और हम बस पहुंचने वाले हैं। ऐसे नहीं है, हीटर ऑन है गाड़ी का, इसलिए मेरा थोड़ा सा जो है ग्लास वो खराब लग रहा है। कहीं कहीं साफ है, मैं वहां से दिखा रही हूँ आपको। ये देखें कैसी जगह है, इस तरह की मैंने नॉर्दर्न में नहीं देखी थी, थोड़ी सी चेंज है जी। व्यूअर्स मैं पहुंच चुकी हूँ हन्ना लेक और बहुत ज़्यादा सर्दी है इधर, लेकिन मज़ा भी बहुत आ रहा है और मैं अब आगे जाके आपको व्यूज़ दिखाऊंगी, बात भी नहीं की जा रही मुझसे, बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ। बस आइडिया नहीं हो रहा मुझे कैसे बताऊँ, मेरा फुल आप गेटअप देख लें, नीचे तक दिखाओ, डबल डबल पहना हुआ है मैंने। ये सामने से फैमिली आ रही है, मुझे लग रहा है आई थिंक कराची की है, और वैसे भी इतना रश नहीं है, नॉर्मल ही है रश। देखते हैं आगे जाके और क्या क्या मिलता है, कैसा माहौल है, कैसे लोग हैं, कैसे कैसे व्यूज़ हैं, वो देखें। एक आगे जाके वो छोटा सा जॉयलैंड टाइप बना हुआ है और वो देखें माउंटेन्स कितने सारे, कितने अच्छे। यहाँ पे खामोशी भी है ना, तो आवाज़ आपको सही आ रही होगी मेरी जी। थोड़ा सा और आ गया है हम, अल जजीरा रेस्टोरेंट आए हैं यहाँ पर, आई थिंक रेस्टोरेंट बना हुआ अंदर, कुछ खाने का भी होगा। ये देखें बैठने की एक जगह बनाई हुई है, बहुत अच्छी, यहाँ बैठ के अच्छी, बहुत प्यारी जगह, ये भी अच्छी लग रही थी। आगे वो लेक है आई थिंक जहाँ हमें जाना है जी। ये देखें थोड़ा सा और आ गया है, वेलकम टू हन्ना लेक लिखा हुआ है और वहाँ आगे हमारी फैमिली जा चुकी है, हम स्लो स्लो जा रहे हैं। ओह अरसलान गए वहाँ पर, वो फ्रूट्स लेकर आ रहे हैं, वो देखें फ्रूट्स लेकर आए यहाँ खाने के लिए, ऑरेंज जो लिए थे रास्ते से, तो हमने सोचा चले यहीं पे बैठ के खाएंगे, एंजॉय करेंगे। वहाँ से देखें हम चलते हुए आ रहे हैं, इतनी दूर से आपको आइडिया हो रहा होगा कितनी दूर से हम चल रहे थे, और अब हम यहाँ पहुँचे हैं इस पॉइंट पे। ये एंटर होते ही सामने जो है कैफ़े बना हुआ एक, और यहाँ पे मुझे लग रहा है पकौड़े बन रहे हैं, आई थिंक पकौड़े बना रहे हो, समोसे, ये समोसे बन रहे हैं, मैं समझी अंदर डाले हैं समोसे जो है वो बना चुके हैं, अभी दोबारा बनाओगे, गरम बनाना हमारे लिए सही है, अभी गरम गरम अरसलान ऑर्डर देंगे इनको, तो फिर ये समोसे बनाएंगे। और अभी आप फिलहाल आगे देखें व्यूज़ देखें। आंटी हमें भी दिखाएं, ये बच्चा आया हुआ है, इनको देखें, कहाँ से आए हो? कराची से। कहाँ से? गार्डन से। गार्डन से आया ये बच्चा, ब्लॉग का नाम बता दो, हसन हानिया। ये देखें लेक, आपको मैं दिखाती हूँ करीब से, और बोट्स भी चल रही हैं अंदर, अगर मूड हुआ बच्चों का तो बोट्स में बैठ जाएंगे, वरना इट्स ओके। वैसे व्यू बहुत प्यारा है यहाँ का, ऊपर माउंटेन्स भी दिख रहे हैं और ये लेक दिख रही है नीचे से। ये देखें यहाँ जाने का रास्ता, वहाँ से वो रास्ता बना हुआ है जाने का, कैसा लगा आपको हन्ना लेक बताइएगा कमेंट्स में। यहाँ पे चाय मिल रही है, चाय बनेगी और समोसे आएंगे इस मौसम में, समोसे और चाय पीने का अलग ही मज़ा है, आइडिया है ना आपको। तो चलती हूँ अभी आगे, बच्चे आगे जा चुके हैं, मैं यहाँ पर देखने आई थी कि यहाँ से व्यू कैसा लगता है, वहाँ सामने बच्चे खेल रहे हैं, अब चलते हैं बच्चों के पास। अरसलान समोसों का बोल दिया, ये वो देखें व्यूअर्स रेस्ट हाउस बने हुए वहाँ पर ना, वो देखें यहाँ पे मैंने सुना है कि परमिशन लेनी पड़ती है और वो मिल जाते हैं गेस्ट हाउस टाइप जो बने हुए, तो ये आप ले सकते हैं स्टे करने के लिए, बहुत मज़ा आता होगा।
और अच्छे बने हुए आर्मी के लोगों के बने हुए हैं ना, तो इसलिए अच्छे ही बने हुए होंगे। बहुत दूर बने हुए हैं वो, बस मैं व्यू दिखाना था आपको, तो मैंने कहा जूम करके व्यू दिखा देती हूँ। जी फ्रेंड्स ये देखें समोसे आ चुके हैं जिनका ऑर्डर दिया था। बेटा लो हादिया, बेटा लो सब तक बढ़ गया, ले लो। बहुत मजे का, बहुत मजे के हैं। लेकिन मुझे एक बार समझ नहीं आई ये चटनी है कि केचप है। केचप है ये दोनों है, टू इन वन है। अंजला आप नहीं खा रही बेटा? भाई अंजला खा रही हो, कैसे लग रहे? अच्छे। देखें वो बिजी है अपने कैमरे में, समोसा भी हाथ में। फरमान सलमान भाई बेटे वो चेयर ले लो, बैठ जाओ। हादिया रख दो उसके ऊपर। अली भाई आ जाएं, व्यूअर्स आप लोग भी खा लें। भात छोड़ दें तो वो खा लेंगे, हम भी दे देंगे। ये नहीं मैं खिलाता हूँ, गरम गरम समोसे। असलान कैसा समोसा? समोसे गरम है, बहुत अच्छे। मजा आया, ऐसे ही चाहते थे आप? हेलो, इनको कैमरे में आना था सर, कैमरे में आना था। नहीं मतलब सरानंग के पास आ रही थी। हम समोसे खा के चाय पी के फ्री हो चुके थे, ये लेक के हम करीब आ चुके हैं। आगे फैमिली जा चुकी हैं काफी सारी, और ये देखें जाना नहीं। और ये मैडम की पिक्चर्स नहीं खत्म हो रही है, आगे निकल। ये देखें यहाँ पे व्यू कितना जबरदस्त लग रहा है, मगर ये बहुत डेंजर भी लग रही है मुझे जगह ना, आगे बहुत सारे एनिमल्स भी हो सकते हैं। वो देखें यहाँ कुछ मिला है, बाहर मिला है। अच्छा यहाँ कोई बस डर लगता है ऐसी चीज़ों से, क्या करें। चले आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है। ओ काफ़ी सारे लोग तो आगे जा चुके हैं, हम एंड में हैं मैं और अली। कॉन्फिडेंस ही तो है बस आप में। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वो देखें आते हुए भी सबसे लास्ट में थे, वो जाते हुए भी सबसे लास्ट में है, और बस अंधेरा होने वाला है। यहाँ पे लाइट का दूर दूर तक नहीं है ना, लाइट नहीं है ना यहाँ। ओ हादिया जल्दी चल, लाइट नहीं है इधर। जी गोद में ले लो बच्ची को अपनी, जल्दी चलो। ओ सांस फूल गया, बहुत दूर जाना है, बहुत दूर जाना है हमें। देखें कैसा रास्ता था आते वक्त, जाते वक्त आपको आइडिया होगा। सलमान भाई ओ ये तो खुद बनाई हुई है, ये वॉल जगह जगह बनी हुई है, ये खुद बनाई हुई है वॉल, ये पूछ रहे हैं सलमान भाई से ना। जी तो हम लोग है ना हन्ना लेक से फ्री हो चुके थे, और हन्ना लेक से आने के बाद थोड़ा सा सामान रह गया तो वो लेना था, और कल जो मैं अनार का जूस पी कर गई थी उसका नशा हो गया है। बहुत मज़े का है, बहुत मज़े का है, तो मैंने कहा लास्ट भी टाइम भी पी कर जाती हूँ इंशाल्लाह। अब तो कराची जाना है, तो बस आज मैं पीने फिर आ गई हूँ। ये देख लें आप लोग, बनता हुआ निकलता हुआ जूस कितना प्योर ये लोग निकालते हैं, कोई मिलावट नहीं कुछ नहीं, और सामने बिल्कुल अपने निकलवाएं और पिएं, और बहुत रिजनेबल प्राइस में दे रहे हैं ये जूस। कराची होता तो 400-500 इतने ज़्यादा ग्लास जो है इतना महंगा होता, लेकिन ये बहुत कम पैसों में दे रहे हैं और बहुत अच्छा जूस दे रहे हैं, जिससे आप फ्रेश हो जाते हैं बिल्कुल, फील अच्छा फील आने लगता है। तो जब ही मैं आई हूँ दोबारा इनके पास पीने, और बाज़ार सारा बंद हो चुका है, ये हमने थोड़ा सा ये सामान जो रहता था वो ले लिया, और अली ने नहीं पिया था कल, तो अली भी आ गया आज पीने कि कैसा है, मैं भी पी कर देखता हूँ। ये सलमान भाई खड़े हुए हैं, ये मैडम बैठी हुई हैं, मैडम भी पियेंगी, तो चलें अब जूस पीते हैं। अरसलान कह रही है मैं पार्सल लूँगी, अरसलान थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, होटल में आए नहीं हैं अरसलान, तो बस अब ये बनता है तो हम पीते हैं।
जी तो देखें फ्रेंड्स, मेरा जूस आ गया है और मैं ये पी रही हूँ। बहुत मज़े का है, बहुत मज़े का है। एक गिलास मैं पी चुकी हूँ, ये मेरा दूसरा गिलास है, दूसरा। तो इससे आइडिया हो रहा होगा कितने मज़े का है जो मैं दूसरा गिलास पी रही हूँ। चलें पीते हैं और फिर चलते हैं होटल की तरफ।